दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हमने कल का ब्लडी वाइब्स का जो वीडियो बनाया उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ट्रिगर्ड इंसान की स्टोरी चोरी करके बनाए हो तुम लोग ने, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही क्या, तुम लोगों को ख़राब फील नहीं हो रहा है क्या, तुम लोगों की हम रिस्पेक्ट करते थे, तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, दूसरों की स्टोरी चोरी करके बनाते हो। एक मिनट, मैं ऐसे सारे लोगों को एक जवाब देना चाहता हूँ। सिंपल सा बात यह है ना भाई कि जो हम स्टोरी सुनाते हैं वो किसी इंसान के साथ घटी हुई घटना रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ये घटना इसके साथ घटी है, इसने ये स्टोरी हमको भेज दी, ठीक है, हमने इसके ऊपर वो वीडियो बना दिए। हो सकता है कि इसने यही स्टोरी ट्रिगर्ड इंसान को भी भेजी होगी, वही स्टोरी एक्स वाई जेड किसी को भी भेजी होगी, हाँ, तो सबने बना दिए और हमने सबसे आखिरी में बनाए तो हमने चोरी किए, और जिसने सबसे पहले बना दिया वाह 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 वो तो रियल इंसान है। ऐसा नहीं होता यार, जिसकी हम स्टोरी बता रहे हैं वो भी एक इंसान है, और हो सकता है कि उस इंसान ने हमसे पहले किसी और को भी स्टोरी भेजा हो और उसने बना दिया, हम थोड़ा बाद में बना रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से जज करना प्लीज़ बंद कर दो, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट पहले ही बहुत बार हो चुके हैं। मैंने भी वीडियोस बनाए हूँ ब्लडी सत्य में भी, तो लोग बोलते हैं कि भाई तुम चोरी करते हो चोरी करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता है क्योंकि हम तो रियल लाइफ स्टोरी बना रहे हैं ना यार। अगर हमको कोई लिख के भेज रहा है और वही स्टोरी हम बना रहे हैं तो उसमें चोरी वाली बात कहाँ से आती है? उसमें उस इंसान की गलती है जिसने भेजा है लिख के, उसमें हमारी गलती नहीं है। अब देखो भाई, जो कल हमने वीडियो बनाया है, जो लोग बोल रहे हैं ट्रिगर्ड इंसान का चोरी है, उसका स्क्रीनशॉट देख लो, स्क्रीनशॉट ये हम लोगों को मिला है, यही भेजा गया है। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई करते होंगे मुझे नहीं मालूम, कि बस अपना नाम बुलवाने के लिए उन्होंने कहीं से सुने और हमको भेज दिए। हम सारे यूट्यूब चैनल के तो खोल खोल के वीडियोस देखते नहीं है ना कि ये स्टोरी किसी और ने तो नहीं बनाया है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसी इंसान ने ट्रिगर्ड इंसान को भी पहले भेजा हो और हमको बाद में भेज दिया हो, उसने पहले बना दिया हम थोड़ा लेट कर पाए, तो चोरी नहीं हुआ इसका मतलब वही तो और हाँ। और वैसी बात है कि हम हर इंसान का यूट्यूब देख नहीं सकते कि हमको पता चलेगा कि इस बंदे ने चोरी करके हमको भेजा है। और इसीलिए बोलते हैं कि मतलब देखो प्लीज, आपके पास स्टोरी आपके साथ घटी है तो ही भेजो और हमको ही भेजो, और बाकी ऐसा मत करो कि आप किसी का चोरी करके भेजो या तो 5-6 लोगों को भेजो फिर बाद में लोग आके बोलते हैं चोरी किया, ऐसा होता है, ये सब मत किया करो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। खैर, ये तो हो गई आज की बात और आज की कहानी की शुरुआत। ब्लडी वाइब्स के आज के सराहन कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। एक गुड्डू नाम के ट्रक ड्राइवर के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये घटना आज से तकरीबन 5 साल पहले गुड्डू के साथ घटी थी। गुड्डू हरियाणा में रहने वाला एक मामूली सा लड़का था, अपना जीवन यापन करने के लिए एक बड़ी सी कंपनी में ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा था। इनका जॉब था कि डिलीवरी के सामान अपने ट्रक में लोड करें एक हेल्पर की मदद से, और अलग अलग शहरों में अलग अलग गांव में बड़े बड़े दुकानों में डिलीवर करने के लिए पहुंच जाएं। तो गुड्डू यही किया करता था। गुड्डू को यहाँ पर जॉब करते हुए 5 साल बीत चुके थे और गुड्डू अपना जीवन बहुत अच्छे से काट रहा था। अब एक दिन की बात है, पहली बार गुड्डू को ऑर्डर मिला कि मुंबई में सामान डिलीवर करने के लिए जाना, तो गुड्डू बेहद खुश हुआ क्योंकि मुंबई जाने का उसका सपना बचपन से था। इतना बड़ा शहर उसने सपने में सोचा भी नहीं था, आज वो पहली बार उस शहर में जाने वाला था। गुड्डू एक्साइटेड था, लेकिन ये जो क्लाइंट का ऑर्डर आया था ये बहुत ज्यादा अर्जेंट में आया था। अब इतना ज्यादा अर्जेंट में हो गया था ना कि मालिक ने बोला कि निकल, अकेले निकल। क्यों अकेले निकल? क्योंकि जो हेल्पर था ना भाई, हेल्पर की तबीयत खराब हो गई लास्ट मोमेंट में, और जितने भी बाकी के हेल्पर्स रहे होंगे, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है तो भाई एक अकेला हेल्पर एक अकेला ड्राइवर तो रहा नहीं होगा, तो जितने भी हेल्पर्स और जितने भी ड्राइवर्स थे सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, तो केवल गुड्डू वाला जो ट्रक था उसका स्लॉट ही खाली था और उसका वाला जो हेल्पर था उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो गुड्डू ने बोला ठीक है मैं ही लेकर निकलता हूँ। रात के समय सारा सामान लोड किया और निकल पड़ा। रात से लेकर सुबह तक 5 बजे तक नॉनस्टॉप इसने अपनी ट्रक चलाया है, और फिर ट्रक रोका एक ढाबे में, बढ़िया से वहां पर खाना वाना खाया, पेट भर के सुबह सुबह खाना खाया। रात में इसलिए नहीं खाया था कि रात में सोचा कि ड्राइव कर लेता हूँ, खाली खाली सड़कें मिलेगी, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसने रात में ड्राइव कर लिया, दिन में बढ़िया खाना खाया और सोचा कि थोड़ा और आगे जाऊँगा फिर आराम करूँगा। 10 बजे के आसपास ही एक छोटे से लॉज जैसे एरिया में पहुँच गया और सोचा कि यहाँ पर आराम करता हूँ अच्छे से। अब नॉर्मली क्या होता है कि ट्रक वाले ऐसा लॉज वॉज में रुकते नहीं, लॉज वॉज में सोते नहीं, अपने ट्रक में ही सो जाते हैं, लेकिन ये लॉज इसलिए लिया क्योंकि इसे कमर में पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा दर्द चल रहा था।
रीजन क्या रहा होगा पता नहीं, लेकिन वो लॉज ले लिया, सोचा ये सो लेता हूँ, फिर नॉन स्टॉप चलाऊंगा, फिर सोऊंगा साऊंगा नहीं, फिर रोकूंगा भी खाने के लिए कुछ तो 15 मिनट में निकल पड़ूंगा, फटाफट पहुंचना एक क्लाइंट का अर्जेंट ऑर्डर है। सोया और जब शाम हो गई तो ये वापस से निकल पड़ा। अब वापस से निकल पड़ा तो सोचा अब एक चाय मार लेता हूँ। अब देखो ख्वाहिशें हैं, भूख है, पेट का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी भूख लग सकती है, कभी भी चाय पीने की तलब लग सकती है, तो अब इसको फिर से लग गई, तो इसने अपनी गाड़ी रोका, अब चाय वाय पिया, अब बोला नॉनस्टॉप निकलते, अब नॉनस्टॉप निकलने के लिए तैयारी है। थोड़ी आगे जाने के बाद ये एक ऐसी जगह में पहुंच जाता है जो जंगल पूरी तरह से सुनसान था। अभी तक नॉर्मली बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स दिखाई दे रही थी, बहुत सारी गाड़ियां भी दिखाई दे रही थी, टू वे रोड्स भी थे, लेकिन अब जहां पर ये एंटर किया था ये वन वे रोड ही था। और जो खाई टाइप का एरिया होता है ना वैसा एरिया था, एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ घना जंगल और बीच में पतली सी रोड। गुड्डू ने रेडियो में गाना लगाया और पुराने जमाने के गाने सुनते हुए गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक से ये लगभग 2 किलोमीटर इस सुनसान रास्ते में बड़ा ही होगा कि एक बड़े से मोड़ लेने के बाद इसको सामने एक ट्रक पलटा हुआ दिखाई देता है। तो गुड्डू हैरान हो जाता है कि अरे किसका ट्रक पलट गया यार। इसने तुरंत ही अपना ट्रक रोका, थोड़ा साइड में ले जाकर और उतर कर देखने की कोशिश किया कि भाई ये जो ट्रक पलटा है इतने सारे सामान के साथ, उसका जो ड्राइवर है, उसका जो हेल्पर है, वो सही बचे हैं कि नहीं। उतर के ढूंढने की कोशिश करने लगा लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सारा सामान तहस नहस हो गया था, उसमें कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे और कुछ और भी सामान रखे हुए थे ट्रक में, लेकिन ये हेल्पर और ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं। ट्रक का सामने का पूरा कांच फूटा हुआ था और चिथड़े उड़ चुके थे एक तरीके से, सामने वाला जो पार्ट था उसके चिथड़े उड़ चुके थे। सामने वाले पार्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ट्रक ने किसी खंबे को जोर से ठोस मारा और गिर गया। लेकिन हैरान होने वाली बात तो ये थी कि आसपास कोई भी ऐसा खंबा, कोई भी ऐसा बड़ा सा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था। इसने आवाज भी लगाया, कहीं कोई खाई में नीचे तो नहीं गिर गया है, देखने की भी कोशिश किया, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही कोई दिखाई दिया। इसने सोचा मदद की सही में किसी को जरूरत हो सकती है, मैं एक काम करता हूँ, अपने ट्रक में चढ़ के टॉर्च निकाल कर देखने की कोशिश करता हूँ। ये ट्रक में चढ़ा, टॉर्च निकाल के अब ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से ये, मतलब समझ रहे हो आप लोग, ये रोड है, इस तरफ खाई है और इस तरफ जंगल है, खाई वाले साइड में ये ट्रक पलटा हुआ था, तो ये यहाँ पे ढूंढ ही रहा है कि इसको इसके इस तरफ से, मतलब जंगल वाले साइड से पत्तियों में चलने की जो आवाज़ होती है ना वाली आवाज़ सुनाई थी। तो हैरान हुआ कि यहाँ पर कोई तो है, अपना टॉर्च लिया और उस तरफ बढ़ गया। कौन है वहाँ पर, किसी को मदद की जरूरत है क्या? लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई तो ऐसा है जो पत्तियों के जो चलने की आवाज होती है ना खड़खड़ाहट, उससे पीछे हट रहा है, गुड्डू से पीछे हटते जा रहा है। गुड्डू हैरान हुआ कि यार अगर इनमें ट्रक में से पलटने वाले में से कोई है तो उसको तो मदद की जरूरत होगी, ये मुझसे पीछे क्यों हट रहा है, छोड़ो जो भी हो इग्नोर करता हूँ, लौट जाता हूँ। ये लौट के अपने ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा था, रात का वक्त है बेशक, तो जैसे ही अपने ट्रक में चढ़ने ही वाला था कि इसके पैर में कुछ ऐसा गदगद जैसा लगा, मतलब गदगद समझते हैं आप लोग क्या होता है, कि आपके पैर के नीचे कुछ ऐसा अचानक से बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा कुछ आ जाए तो कैसा लगेगा। इन्हें तुरंत ही ऐसा टॉर्च नीचे मारकर देखा तो क्या पाया कि नीचे इतना बड़ा मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ जो खून से भरा हुआ है। ये घबरा गया और इसके मुंह से चीख निकल गई। यहाँ पे बिजली कड़कने लगी। गुड्डू को ऐसा लगा रही है क्या फिल्मी सीन हो रहा है भाई, ये चीज क्या है, पहली नजर में देख के विश्वास तो नहीं हो पाया कि मांस का टुकड़ा है, किसको हो जाएगा, आपके सामने ऐसा आ जाए तो आपको पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा, आप तो पहले यही सोचेंगे कि पता नहीं क्या चीज है, फिर आप उसको हाथ लगाकर देखेंगे, चेक करेंगे, सूंघ के देखने की कोशिश करेंगे, फिर आप समझ पाएंगे। तो गुड्डू ने भी यही किया, गुड्डू ने उठाया और देखने की कोशिश किया तो हक्का बक्का रह गया। अब सोचा कि ये क्या गड़बड़ है भाई, के चिथड़े विथड़े उड़ गए हैं क्या ट्रक चलाने वाले के। अभी अपना टॉर्च लेके फिर से ट्रक की तरफ बढ़ा तो जो ट्रक पलटा हुआ था उसके निचले हिस्से हम बड़ी ध्यान से देखा तो बहुत सारा खून था, बहुत सारा खून। ये घबरा गया कि सिर्फ खून और मांस ही दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा नॉर्मल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इंसान जिसका एक्सीडेंट हुआ वो है तो है कहां, उसका कोई बॉडी का पार्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा, अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो गया तो। कितने में फिर से इसको पीछे से वो आवाज सुनाई देती है खड़खड़ाहट की। ये फिर से पलट कर देखता है तो पाता है कि पीछे एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के पीछे से कोई इसको झांक झांक कर देख रहा है। अभी झांक कर देखने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था,
झांक कर देखने वाला एक ऐसा अजीबोगरीब इंसान था जिसके शरीर पूरी तरीके से काला था, आंख पूरी तरीके से लाल थी और दांत इतने लंबे थे जैसे कि मानो मुंह से ऐसे बाहर आ रहे हो, और बिल्कुल चमकदार से उसकी शायद सींग की भी आकृति बनी हुई थी। गुड्डू देखकर परेशान हो गया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ये इंसान तो हो ही नहीं सकता, ये कोई जानवर है जो दो पैरों में खड़ा हो सकता है, लेकिन ये जानवर नहीं था। जब ये आगे बढ़ने लगा और हंसने का जो अपना चेहरा बनाया, उससे ये क्लियर हो गया कि ये जानवर नहीं है। जानवर इस तरह से हंस नहीं सकते हैं। गुड्डू बहुत जोर से घबरा गया, भगवान का नाम लेके तुरंत ही ट्रक में आया। ट्रक चालू करके ऐसा ट्रक को भगाया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, नॉनस्टॉप भगाया है। गुड्डू की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। इस जंगल के रास्ते से जब ये बाहर निकला तो अब इसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे, क्योंकि डर ने इसके शरीर में एक अजीब सा डेरा जमा लिया था। इसने सोचा गाड़ी रोक देता हूँ वरना मेरा हाल भी वैसा ही ना हो जाए। मैं तुरंत ही गाड़ी रोका और अपने आप को शांत करने की कोशिश किया और सारी चीज़ें रिकॉल कर रहा था कि जो ट्रक पलटा हुआ मुझे दिखाई दिया, ऐसे खंबे से टकराया हुआ दिखाई दिया, जबकि वहाँ पर कोई खंबा नहीं था। हो सकता है कि वो ट्रक उसी जीव से टकराया हो, उसी आत्मा, उसी शैतान, उसी भूत से टकराया हो। पता नहीं क्या था, गुड्डू को ऐसा ही लगा कि उसी से टकराए हो। और टकराने के बाद जो ट्रक के हेल्पर और ड्राइवर रहा होगा, उस शैतान ने उनको अपना शिकार बना लिया, खा गया होगा, उनसे अपनी भूख मिटा लिया। गुड्डू ने जैसे ही ये सोचा, उसके दिल की धड़कनें और बढ़ने लगी कि अचानक से जोर से हॉर्न सुनाई दिया। गुड्डू घबरा गया और नीचे की तरफ देखा तो एक कार वाला था जो गुड्डू को बोल रहा था कि क्या हुआ भाई, कोई परेशानी है क्या? तुमने ऐसे बीच रोड जैसे इलाके में अपनी गाड़ी लगा के रख दी हो, कुछ तकलीफ है, कुछ मदद की ज़रूरत है तो बोलो। गुड्डू बोलता है नहीं नहीं साहब, सब ठीक है। बोलता है आओ साइड में आओ। सामने वाला जो इंसान था कार वाला, वो गुड्डू के चेहरे को देख के समझ गया था कि गुड्डू किसी परेशानी में है, और वो भी उसी रूट से आ रहा था, तो शायद उसने भी कुछ देखा होगा, मालूम नहीं देखा था कि नहीं। लेकिन उस आदमी ने अपनी कार थोड़ी साइड में लगाया और गुड्डू को उतरने के लिए कहा, प्यार से बोल रहा था इसलिए गुड्डू उतर गया। गुड्डू समझ गया था कि ये मेरी हेल्प करना चाह रहा है। अब गुड्डू से बोला कि देखो भाई, पीछे मैंने कुछ देखा हूँ, क्या तुमने भी वो देखे हो? गुड्डू बोलता है हाँ मैंने भी, और उसी कारण घबराहट हो रही है। तो आदमी बोलता है कि दरअसल उस बारे में मैंने पहले भी कई बार सुना था, दरअसल वहाँ पर एक ऐसी शक्ति घूमती है, एक ऐसा शैतान घूमता है जो आने जाने वाले लोगों को इसी तरह से अपना शिकार बनाता है। बहुत सारी दुर्घटनाएं वहाँ पर होती है और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियाँ ही मिलती है, लोग नहीं मिलते हैं। लोग, मुझे ऐसा लगता था कि अफवाह होती है, ये कुछ होता नहीं है, वहाँ पर शैतान होता नहीं है। लेकिन जब मैंने आज अपनी आँखों से किसी लाल आँख वाले इंसान को देखा तो मुझे विश्वास हो गया। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, मुझे लौटना तो नहीं है, तुम ट्रक वाले हो, तुम्हें लौटना होगा। लौटना है तो दिन के वक्त ही लौटना, रात में इस रास्ते से मत गुजरना। और सब कुछ ठीक है कि नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? गुड्डू बोलता है नहीं सर, सब कुछ ठीक है, अब जाते हैं। कार वाला अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है और गुड्डू के मन में भी ऐसा आता है कि चलो मैं सेफली क्रॉस कर दिया हूँ। लेकिन वहाँ पे किसी को कुछ हुआ होगा, बाय चांस किसी की जान बची होगी तो फ़ोन लगा के अपने मालिक से बोल देता हूँ कि सर आप मदद भेज सकते हो तो भेज दो, एक ट्रक पलट गया है। इसने फ़ोन लगाया, अपने मालिक को पूरी बात बता दिया कि ऐसा 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 हुआ है। मालिक ने बोला कि ठीक है, अब तू ज़्यादा वहाँ पे समय व्यस्त मत कर, काम कर तू जल्दी जल्दी वहाँ से निकल, वरना तुझे कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो गुड्डू ने अपना ट्रक स्टार्ट किया, मुंबई पहुँचा, डिलीवरी किया और फिर रिटर्न भी आया है। उसी रास्ते से आया तो इंतज़ार करके आया कि भाई उस रास्ते को मतलब दिन में ही 11-12 बजे ही क्रॉस करे। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि वैसी जगहों पे उसको पता चल गया, उसने देख लिया, और उसके बाद भी अगर रात के टाइम में आता तो शायद वो खुद ब खुद अपने मौत का जो बोलते दावत देता उसको, वो खुद ही जिम्मेदार होता। हाँ। तो खैर, उम्मीद करते हैं कि आज की ये स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ये स्टोरी खुद गुड्डू ने ही हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। उम्मीद करते हैं कि अब तक देखे हैं तो लाइक जरूर करते होंगे। मैं पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।